बूम के एक नए एपिसोड के साथ मैं एहसान कुरैशी हूँ। गैर हाजिरी की माफी, नागुजीर वजूहत की बजाय पर हम चंद दिन से अपनी वीडियो लोड नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि अब खबरें बहुत हैं आपके लिए और आपको पता ही है कि आईपीएल जो है वो मुलतवी कर दी गई है। कोरोना वायरस बड़ा शदीद हो गया है पूरे भारत में और यहाँ भी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसको भी जनाब जो ही ले जाने की बात हो रही है। फ्रेंचाइज ने कहा है कि यहाँ भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, उसकी नई वेव आई है, खतरात बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इससे पहले भी कोरोना वायरस की वजह से जबकि कुछ पॉजिटिव केस आए तो ये मुलतवी किया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है ना पहला टेस्ट एक इनिंग्स और 116 रन से जीतने के बाद दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी में मसरूफ है। अब देखते हैं कि उसमें नए खिलाड़ियों को चांस नहीं मिलता है या मिलता है। अब हम एक और छोटी सी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा कि तिसारा परेरा जो श्रीलंका के बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, मुझे आज भी याद है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिंगल हैंडेडली 2-3 मैच सिंगल हैंडेडली जिताए थे। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, एक तो मुझे याद है कि उन्होंने शायद कोई 22 रन बनाए थे और 6 विकटें हासिल की थी। एक बार उन्होंने 65 रन बनाए थे, उस बड़ी हार्ड हिटिंग की थी, 3 विकटें हासिल की थी, तो मुझे कुछ याद है। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की डिटेल में जाएँ, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद EQ यानी एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उसको बढ़ाएं। देखिए बड़ा स्लो जा रहा है मामला, लेकिन बहरहाल हम मेहनत करते रहेंगे और हमारी आदत है। अब जनाब जो सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग खबर है वो सारी दुनिया में आपको पता है कि ऐसा लग रहा था, लोग सवालात कर रहे थे, कोरोना ये चल रहा था जनाब इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग और लोगों की जिंदगियां खतरे में रही, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे, कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा था, लेकिन आईपीएल को मुलतवी नहीं किया जा रहा था। लेकिन बिलाखिर वो प्रेशर डेवलप हुआ प्लेयरों की फैमिलीज़ की जानिब से, खुद इंडिया के प्लेयरों की जानिब से और मुख्तलिफ जो मीडिया का एक प्रेशर था, बिलाखिर जो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया और उनकी जो गवर्निंग बॉडी IPL की, ब्रिजेश पटेल जो है ना उसके चेयरमैन हैं, साबिक उनके बैट्समैन थे, उन्होंने जनाब आज उसको मुलतवी करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये होगा। अब ये कब होगा ये किसी को नहीं पता। ये राजेश शुक्ला जो उनके वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं IPL के, उन्होंने ये कहा कि होगा। लेकिन देखा है कि सूरत हाल जो है बड़ी बिगड़ती हुई है। देखें चाहे हमारा पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, ये कोरोना वायरस में घिर गए हैं, टूर्नामेंट परेशानी हो रही है। पाकिस्तान का टूर्नामेंट इतना लंबा नहीं था लेकिन उसको भी मुलतवी करना पड़ा क्योंकि कोरोना वायरस ने उसको घेर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन जब पॉजिटिव केसेस बढ़े टीम मैनेजमेंट में, ऑफिशल्स में, प्लेयर्स में, तो उसको मुलतवी करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इंडिया IPL जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया के सारे बड़े प्लेयर बड़ी खतीर रकमों पे इसमें खेलते हैं और यकीन करें मैं तो हैरान हूँ। आपको याद होगा काइल जेमिसन जिन्होंने पाकिस्तान का बाजा बनाया था टेस्ट सीरीज़ में, उनको 15.5 करोड़ में खरीदा गया था, तो पैसा बहुत है। और उसके बाद क्रिस मॉरिस जो है वो ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के, अब तो वो मेरे ख्याल है खेलते ही नहीं है साउथ अफ्रीका की जानिब से, उनको भी बड़ी सबसे महंगे प्लेयर थे। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसी वबा है जिसने इंडिया को बड़ा शिद्दत से अपनी ग्रिप में ले लिया है। वहाँ पर हुकूमत की पूरी तवज्जो, बहुत प्रेशर है नरेंद्र सिंह मोदी और उनकी हुकूमत पे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है जनाब, आप यकीन करें हम तो देख के डर रहे हैं और हमारी आप यकीन करें। देखें चाहे हमारा आपस में एक जो हमसाये का रिश्ता वो इतना अच्छा नहीं है, टेंशन आता रहता है, लेकिन हम क्योंकि कई टूर कर चुके हैं इंडिया के, तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये दुआ है कि भारत के लोग इस अंधोनाद जो वहाँ अमवात हो रही हैं, पॉजिटिव हो रहा है, उससे निकलें। पूरी दुनिया के लिए मेरी दुआ है। देखिए ये बात है कि इंसानियत की जो एक आदमी की मौत जो है पूरी इंसानियत की मौत है, तो हम ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो भारत से निकले और वहाँ जो मसाइल हैं, और आप यकीन करें मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि ICC वर्ल्ड कप T20 में जाके इंडिया में ही कवर करूँ, लेकिन अगर ये हालात इम्प्रूव नहीं हुए तो ये चला जाएगा जनाब मुत्तहदा अरब अमारात में, शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में ये टूर्नामेंट होगा, 16 टीमों का टूर्नामेंट है, बहुत सी बातें आ रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो है इस वक्त वो उसने जो है ना पूरी दुनिया का जो है ना, आप यकीन करें बहुत से मुल्कों ने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन ये इस वक्त फ़िलहाल जो है भारत और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। रोज़ाना 3,000 से 4,000 अमवात हो रही हैं,
लाखों की तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अस्पतालों में जनाब ऑक्सीजन खत्म हो गई है, वेंटिलेटर खत्म हो रहे हैं, बड़ी परेशानी है। क्रिकेट सेहत के देखें, हम भी इंसान हैं, हम चाहते हैं, हमें भी दो इंजेक्शन हमने लगा दिए हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। अपने आप को फिर भी हिफाजत में रखना है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अपने भारतीय भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक दूसरे का ख्याल करें, और हमारी तो दुआएँ हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस परेशानियों में घिरे हैं, उनकी मदद करें अल्लाह, और ये वबाई मर्ज जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो। अब आईपीएल तो मुलतवी हो गया जनाब, अब जो है जनाब वो क्या कहते हैं, जाता ही नहीं जाता मुतहर अबारात में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि अभी टाइम तो बाकी है, तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। अब देखते हैं कि सूरत हाल कितनी तेज़ी से इंडियन गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, क्योंकि ये इतना कोई आसान इशू नहीं है, बड़ा सीरियस थ्रेट है भारत के लोगों के लिए, और उसको काबू करने में काफ़ी लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ये कोई छोटा मर्ज नहीं है, इसमें बहुत ही प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। पीएसएल के बारे में, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जनाब, उसके बारे में 6 फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जनाब इसको मुंतकिल किया जाए मुत्तहिदा अरब अमारात में। अब देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में क्या फैसला करता है। 1 जून से कराची के नेशनल स्टेडियम से पाकिस्तान के ये बाकी 20 मैच खेले जाने थे, लेकिन यहाँ भी जो कोरोना वायरस की जो एक वेव आई हुई है वो इंडिया के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन बहरहाल वो खतरात में घिरी हुई है। गवर्नमेंट जो है उसमें लॉकडाउन भी कर रही है, ईद की भी छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं, तो आप भी ख्याल करें और मास्क पहन के रखें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप इस पर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब कहाँ होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये फौरी तौर पर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुक्ता नज़र नहीं आया, तो अब जब आएगा तो फिर उसके बाद हमें पता चलेगा। अब जनाब ये तो बातें हमने आईपीएल पीएसएल के बारे में कर ली, अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट जो है वो 7 मई से क्वींस, वही अपना कहते हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर, क्वींस पार्क तो बुलवायो में है, वहाँ तो कोई मैच नहीं हो रहा क्योंकि एक ही जगह पे हमें, मेरे जहन से वो निकल गया, लेकिन ये अपना हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। और पहला टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर जनाब उन्होंने भट्टा बिठा दिया जिम्बाब्वे की टीम का, और उस भट्टा बिठाने में जो नुमाया किरदार था वो पाकिस्तान के राइजिंग अगेन हसन अली जनाब, उन्होंने 9 विकेटें हासिल की। और ये जो सीज़न है उनका 20 और 21 का, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो जनूबी अफ्रीका के सीरीज़ हो, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ऐसे एक मौके पर तो हमें लग रहा था कि शायद इनका कैरियर ख़त्म हो गया। एक साल पहले मैं यूबीएल गया था तो मैंने दूर से ऐसे ही जुमला कहा था, बड़े ज़माने में फिटनेस प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसा लगता था कि हसन अली का कैरियर ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा तुम लोग मीडिया वाले समझ दो मैं कम बैक करूँगा। अरे भाई हमें तुम्हें सलाम करते हैं, तुमने वाकई ज़बरदस्त कम बैक किया है, और जो तुमने बातें की हैं कि भाई ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से प्लेयर जो है ना वो आगे जाता है, बढ़ता है, और वहीं से तुमने फॉर्म हासिल की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है बाबर आजम उनकी टीम। लेकिन आपको एक बात पे गौर करना होगा, देखिए ये जिम्बाब्वे की टीम जो है ना है तो बी टीम, देखिए इसमें जो अहम तरीन 2 प्लेयर जो हैं जो उनकी बैकबोन है बैटिंग की वो हैं, एक तो शॉन विलियम्स हैं जो उनके कप्तान हैं वो भी अनफिट हैं, उसके बाद क्रेग अरविन जो है वो भी अनफिट है, और तीसरे बड़े जो उनकी वो तो ऑलराउंडर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है सिकंदर रजा, ये तीनों प्लेयर जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर टीम में नहीं है। उनके बारे में तो आया था सिकंदर रजा के बारे में कि उनको शायद कैंसर है, लेकिन वो उससे निकल गए हैं, लेकिन उनको बहरहाल काफ़ी आराम का मशवरा दिया गया है। अब ये हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने आज भी चेक किया कि भाई शॉन विलियम का कोई चांस है या क्रेग विलियम का कोई चांस है दूसरे टेस्ट मैच में, हमें पता नहीं चल सका टू बी वेरी फ्रेंक, हमने जाके चेक किया क्योंकि हमारा एक्सेस इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर वो आए भी, अब मेरी इसमें ये ख्वाहिश है कि भाई आप अपने इतने प्लेयर लेके गए हैं जिम्बाब्वे, यानी यंग प्लेयर हैं, मैं उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार ये ताबिश खान काय के लिए गए हैं, इनको भी आप खिलाएं भाई, इनके 600 विकेटें हैं तकरीबन, और लोग कह रहे हैं कि यार ये 600 विकेटें लेके भी नहीं खेल सकते, तो भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करा दें। उसके बाद शाहनवाज धानी हैं, सऊद शकील हैं, और लेग स्पिनर जाहिद महमूद है,
मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और मिसबाह लक को बैठना चाहिए सर जोड़ के, और कम से कम दो तीन प्लेयरों को आजमाना चाहिए। देखिए ये जिम्बाब्वे की टीम इतनी ताकतवर टीम नहीं है कि पाकिस्तान को किसी किस्म के खतरा दो। पाकिस्तान को आजमाना चाहिए अपने नए प्लेयर्स को, ताकि वो आपको जो आने वाले वक्तों में आपको पता चल सके कि उनमें कितनी ताकत है। आपने साजिद खान को टेस्ट कैप दी, बहुत अच्छा किया। अब जाहिद महमूद को भी आप आजमा सकते हैं। देखिए लेग स्पिनर पे तो आप कुछ भी कर लें, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे वो वेस्टइंडीज की टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, लेग स्पिनर पे वो हल्के होते हैं, गुगलियां वो पकड़ नहीं सकते। तो जिम्बाब्वे का भी वही हाल है। तो मेरा ख्याल है चांस तो मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरा ख्याल है ताबिश खान को भी चांस मिलना। देखिए आप ये कहेंगे पता नहीं जीतने का फार्मूला क्या है। देखिए हसन अली को भी मेरा ख्याल है रेस्ट देना चाहिए। अब वो पाकिस्तान का फ्रंट रैंक प्लेयर है, उसको भी रेस्ट देना चाहिए। तीनों ब्रांड में वो खेल रहा है तो उसको रेस्ट देना चाहिए। एक आध रेस्ट आप दोबारा शाहिनशाह को भी दे दें। तो आप कम से कम दो नए लड़कों के लिए, तीन लड़कों के लिए जगह जरूर बनाएं। और मेरा ख्याल है क्योंकि आबिद अली ने भी 50 रन कर दिए थे, वो भी सेंचुरी नहीं कर सके थे इमरान भट्ट, तो पाकिस्तान को बैटिंग में भी जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बैटिंग में भी आपको चांस देना चाहिए। पाकिस्तान रीशफल कर सकता है। पाकिस्तान वो समझता है कि जो प्लेयर बिल्कुल सिक्योर कर चुके हैं उनके लिए पाकिस्तान को उनको रेस्ट कराना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसमें कोई मुजायका नहीं है, हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अब हम जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच से चलते हैं जनाब, जो बड़ी हमारे लिए तो बहुत बड़ी खबर है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। दिशारा परेरा पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो या सीरीज खेलने आए, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो ऑलराउंडर थे श्रीलंका के। उन्होंने जनाब आखिरकार 12 साल के करियर के बाद जनाब उन्होंने तमाम क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता हूँ। बहुत बड़ा तिसारा परेरा का जनाब कंट्रीब्यूशन है श्रीलंका क्रिकेट के लिए, चाहे वो ICC वर्ल्ड T20 हो, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज है। मुझे आज भी याद है ख़ास तौर पर पालेकाली स्टेडियम मनटूटा में दो मरतबा उन्होंने जनाब मैच में एक परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान से मैच उन्होंने छीन लिया था। तो ये बड़े ग्रेट्स होते हैं, बहुत ग्रेट है मेरा ख्याल है ये भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है। और दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, सिक्सेस हिटने में माने जाते हैं, मीडियम पेसर हैं और ख़ास तौर पर शॉर्टर वर्जन के अब वो मेरा ख्याल है बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन बहरहाल उसको लोग मिस करेंगे, श्रीलंका के लोग चाहते थे कि, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं यंगस्टर के लिए रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर जो आए और मेरी जगह लें। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है किसी प्लेयर के बारे का भी फैसला होता है कि वो जगह खाली करे अपने प्लेयरों के लिए, वरना बहुत से प्लेयर तो ऐसे होते हैं वो रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते। ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो जान ही नहीं छोड़ते थे, हालांकि उनकी फॉर्म जो डिप कर जाती थी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है तिसारा परेरा का, उनको हम उनका शानदार उनको वी सल्यूट टू तिसारा फरार इस कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड इन द PSL इन IPL मुख्तलिफ जनाब वो दुनिया के फ्रेंचाइज में खेलते हैं। तो ये तो हमारी आज की बातें थी क्रिकेट के बारे में। अब आपने जनाब जो टेस्ट मैच होगा आप उसमें, टेस्ट मैच में हम दुआ करते हैं कि हम दो तीन नए प्लेयरों को देखें, चाहे वो ताबिश खान हो, चाहे वो जाहिद महमूद हो, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे शाहनवाज धानी हो, तो चांस दे के देखें क्या बुरा है इसमें। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।